गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सामूहिक परिचर्चा, जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, या हम कहें इसे समूह चर्चा भी कह सकते हैं। सामूहिक परिचर्चा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि सामूहिक परिचर्चा किस तरह से की जाती है, इसका आयोजन किस तरीके से किया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं होते हैं, साथ में सामूहिक परिचर्चा का अर्थ क्या होता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, जैसा इसके नाम में है, सामूहिक परिचर्चा यानी कि समूह, ग्रुप में, और साथ में परिचर्चा यानी जिसमें हम चर्चा करते हैं। इसे हम एक तरीके से कहते हैं कि हम इसे ग्रुप डिस्कशन, जो कि हम वाद विवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम परिचर्चा करते हैं तो सभी ग्रुप में, जो ग्रुप में होते हैं, सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता होती है। तो सभी अपने अपने विचारों को वहां पर प्रदर्शित करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। साथ में एक ग्रुप वाले व्यक्ति बोलेंगे तो दूसरे ग्रुप वाले व्यक्ति भी बोलेंगे, तो ये परिचर्चा होती है। आपस में आमने सामने बैठकर उसमें गहराई से, चिंतन से हम उसका पर एक अध्ययन करते हैं, परिचर्चा करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि केवल हम जब एक ही विषय ज्ञाता से, या हम कहें सिर्फ हमारे एक टीचर से, एक शिक्षक से उस विषय का ज्ञान प्राप्त करें, वो ज्यादा अच्छा होता है, या हम अनेकों विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अच्छा होता है। तो इसमें हम मानते हैं कि विभिन्न जो विचार हम ले रहे हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय हम एक शिक्षक के। क्योंकि अगर एक शिक्षक हमें उस विषय का ज्ञान देते हैं तो क्या होता है, हमारा एक जो ज्ञान होता है वो एक लिमिट में रह जाता है, सीमित रह जाते हैं। लेकिन हम जब विभिन्न शिक्षाविदों से, विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो ज्ञान में हमारे वृद्धि होती चली जाती है, वो ज्ञान एक तरह से कहते हैं ज्ञान में बढ़ोतरी होती चली जाती है, नई नई चीजों का हमें पता चलता है। तो ये हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी कि सामूहिक परिचर्चा। सामूहिक परिचर्चा के लिए कहते हैं कि सर्वप्रथम जो कक्षा शिक्षण के लिए कब प्रयोग किया गया था, इसका 1929 में, यानी 1929 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो था हमारा 1929। इसमें इसका प्रयोग किया गया था, और हमारे इसके प्रयोग करने वाले थे इसमें ओवर स्ट्रीट। इन्होंने इसका प्रयोग किया था, किसका, सामूहिक परिचर्चा का, कक्षा शिक्षण के लिए सर्वप्रथम इन्होंने इसका प्रयोग किया था ओवर स्ट्रीट ने 1929 में। अब हम ये कहते हैं कि सामूहिक परिचर्चा हमारे लिए क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। सामूहिक परिचर्चा के लिए कह रहे हैं कि जो हमारे शिक्षण क्षेत्र में आज जो तीव्र गति से जो विकास हो रहा है, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमने सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग इस्तेमाल किया। क्योंकि जो हमारे नवीनतम आविष्कार, हमारे यहाँ नवीन नवीन जो आविष्कार हो रहे हैं, मस्तिष्क में जो चिंतन हम करते हैं, जो द्वार खोलते हैं, कौन, जो हमारे नए आविष्कार हैं, ये हमारे एक तरह से चिंतन के क्या खोलते हैं, द्वार खोलते हैं। जो हमारे मस्तिष्क चिंतन हम करते हैं, सोचने विचारने की क्षमता को हमारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि केवल जो हम उच्च स्तर के जो व्याख्यान पद्धति के द्वारा हम पढ़ते हैं, केवल वही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसको महत्वपूर्ण करने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए, या हम कहें कि छात्र और शिक्षक के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, कि किस तरीके से वो अपने विचारों को आदान प्रदान करें। क्योंकि जब ग्रुप बनाया जाता है तो शिक्षक भी अपने विचार रखते हैं और छात्र भी अपने विचार रखते हैं। तो इसमें कहते हैं कि सिर्फ व्याख्यान से हम हमारी पढ़ाई नहीं कर सकते, जब तक कि हमें हमारे विचारों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वो स्वतंत्रता प्रदान नहीं हो। तो ये जो विधि है, इसके माध्यम से हम हमारे, यानी कि छात्र और शिक्षक दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए के अनुसार कभी हम जब एक प्रकरण लेते हैं तो प्रकरण के अनुसार विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं, हम परस्पर उनके साथ विचार विमर्श करते हैं,
नवीन तथ्यों को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से जब हम हमारे शिक्षक के साथ साथ हम दूसरे विशेषज्ञों के द्वारा उस ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ हमें उससे संबंधित नए नए तथ्य यानी कि नई नई जानकारी हमें प्राप्त होती है। किससे? इस ग्रुप डिस्कशन से। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो सामूहिक हम वाद विवाद जो होता है, ये सामूहिक परिचर्चा होती है, ये बहुत उपयोगी होती है। किसके लिए? हमारे नए तथ्य नए ज्ञान को समाहित करने के लिए ये हमारे ग्रुप डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखें कि आखिरकार ये सामूहिक परिचर्चा होता क्या है। तो सामूहिक परिचर्चा के लिए हम कहते हैं कि एक विषय वस्तु या विषय पर गहराई पूर्वक विचार करने और सामूहिक प्रक्रिया को परिचर्चा का नाम से हम पुकारते हैं, यानी कि जिस पर किसी टॉपिक पर हम बहुत गहराई से सोचते हैं और विचार करते हैं, उस सामूहिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, जिसमें हम सभी के विचारों को सुनते भी हैं, हम अपने विचार बोलते भी हैं, फिर उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो ये हमारा सामूहिक परिचर्चा का अर्थ होता है। साथ में हम देख सकते हैं कि सामूहिक परिचर्चा क्या होती है। इसके लिए हम कहेंगे कि जो शिक्षण के कार्य होते हैं उसमें विशेषज्ञों के द्वारा जो समूह विशेषज्ञों के द्वारा समूह, यानी कि वो क्या करते हैं? एक अपने समूह बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हमारे विशेषज्ञ बनाते हैं। उस समूह के माध्यम से विशेषज्ञ समूह के द्वारा आपसी चर्चा के माध्यम से चर्चा के माध्यम से क्या करते हैं वो? जब चर्चा के माध्यम से किया जाता है, कोई भी टॉपिक लेते हैं वो और उसी के आधार पर वो समूह में आपसी चर्चा का एक माध्यम बना लेते हैं। और साथ में जब ये ग्रुप बना लिया जाता है, विशेषज्ञों के समूह को, शिक्षण का कार्य है, जब ये ग्रुप माध्यम से किया जाता है, इसको ग्रुप बना लिए जाते हैं, इसमें चर्चा कराए जाने का नेतृत्व ये चर्चा का माध्यम बनाया और इसमें चर्चा करने के लिए क्या बना दिया जाता है? ग्रुप बनाया जाता है, समूह बना दिया जाता है, समूह बना दिया जाता है। और फिर ये आपस में क्या करते हैं? अपने अपने विचारों को रखते हैं और कहां पर किसकी नजर में? विशेषज्ञ की, यानी कि उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ को आमंत्रित करते हैं और साथ में उसके बारे में से उन्हीं को हम चर्चा का माध्यम बनाते हैं, फिर उनको चर्चा करने के लिए समूह बना दिए जाते हैं और ये हमारी एक चर्चा का माध्यम बन जाता है। इसी विषय पर विशेषज्ञ परिचर्चा करते हैं। तो ये हमारा सामूहिक परिचर्चा हो गई। इसको हम कहते हैं कि जब हम विषय विशेषज्ञों के द्वारा में गहराई से चिंतन से हम जिस विषय के बारे में सोचते हैं वो हमारा सामूहिक परिचर्चा होता है ग्रुप में। अब आता है हमारी इसकी परिभाषाएं कि कौन कौन सी परिभाषाएं, यानी कि हमारे जो अनेक शिक्षाविद हुए, हमारे विशेषज्ञ हुए, उन्होंने अपनी एक अलग अलग इन्होंने क्या रखी है, इनकी एक परिभाषाएं हैं कि सभी शिक्षाविदों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, क्योंकि इसका जो शब्द शुरू हुआ वो तो मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1929 में किया था ओवर स्ट्रीट ने किया था। अब इसके बाद में हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे कि इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले लिखी है राइट ने जो परिभाषा लिखी है हमारे, कि इसकी परिभाषा क्या है कि वाद विवाद, राइट की परिभाषा है कि वाद विवाद जो हमारी सामूहिक परिचर्चा है, विचार विमर्श की आधुनिक विधि है, विचार विमर्श की आधुनिक विधि है जिसमें नियंत्रण क्या, किस पर नियंत्रण किया जाता है? इसमें चर्चा का नियंत्रण समूह द्वारा किया जाता है। किसका नियंत्रण किया जाता है? चर्चा का नियंत्रण, यानी कि कहते हैं ना कि ग्रुप डिस्कशन में समय लिमिटेशन होती है, एक नियंत्रण करना होता है कि हमें किस तरीके से उस चर्चा में भाग लेना है, कितने समय तक हमारे विचारों को बोलना है, ये एक नियंत्रण करना, ग्रुप को नियंत्रण करना एक बहुत
बड़ी एक चुनौती होती है। तो ये कहते हैं कि किस तरीके से हम समूह में इस चर्चा को हम नियंत्रित करते हैं, किस तरीके से हमें एक समूह बनाकर ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं और इसके साथ में उन पर हमें नियंत्रण रखना, अनुशासन रखना, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो इसमें कहते हैं कि हमारे जो सामूहिक परिचर्चा है उसमें विचार विमर्श की, ये जो हमारी सामूहिक परिचर्चा है इसको हम कहते हैं कि नवीनतम हमारी विधि है, आधुनिक विधि के नाम से जानी जाती है। विचार विमर्श की आधुनिक विधि है जिसमें चर्चा नियंत्रण समूह द्वारा किया जाता है, यानी कि किस तरीके से उसमें नियंत्रण रखना है, एक टाइम पीरियड नियंत्रित होता है कि किस तरीके से हमें बोलना है, कितने समय तक हमें बोल कहना, क्योंकि हम कई बार ये देखा है हमने कि जब बोलने की बात आती है तो एक जहां हमें कहा जाता है कि बोलने के भाई एक प्रभाव होता है, अगर हम देखें कि किसी चीज के बारे में हमें बोलना है और हम उस टॉपिक से रिलेटेड ना होकर हमारा पथ भूलकर हम नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरा जोड़ देते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि इस जो हम इस मौखिक जो हमारा स्पीच होता है, भाषण होता है, वो हमारा एक तरीके से अप्रभावशाली बन जाता है। तो यहाँ उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है सामूहिक परिचर्चा में कि हमें किस तरीके से बोलना है, कितना बोलना है और कितना हमें कहते हैं हमें सिर्फ हमारी विषय वस्तु से संबंधित हमें बोलना है, तो इन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इस समूह पर इस तरह से नियंत्रण रखा जाता है कि जो वो बोले वो अपने विषय से संबंधित ही बोले। फिर सेकंड परिभाषा है हमारी एनसीईआरटी के अनुसार कि स्मरण रखना चाहिए, कि क्या स्मरण रखना चाहिए, शिक्षकों को स्मरण रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए शिक्षकों को, शिक्षक को स्मरण रखना चाहिए कि बालक तथ्यात्मक ज्ञान के प्रस्तुतीकरण को केवल निष्क्रिय होकर सुनने की अपेक्षा स्वयं क्रिया कर तथा खोज कर वह अधिक प्रभावी रूप से सीख सकता है। इसमें मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो हमारी व्याख्यान विधि के लिए और इस चीज के लिए हम कहते हैं कि उसमें एक तरीके से जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय होकर केवल सुनते हैं, लेकिन जो हमारी सामूहिक परिचर्चा होती है, ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उसके अंदर वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इसमें वही चीज बताई गई है कि इसमें वो अपने तथ्यात्मक ज्ञान का प्रस्तुतीकरण केवल वो सुनकर नहीं कर सकते, यानी कि निष्क्रिय नहीं है, वो उसमें एक्टिव रहते हैं। ये जो हमारी विधि है सामूहिक परिचर्चा की, इसमें स्टूडेंट क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कि केवल निष्क्रिय होकर सुनने की अपेक्षा स्वयं क्रिया कर तथा खोज कर अधिक प्रभावी रूप से सीख सकता है, यानी कि वो जैसे सीखेगा, जितना सीखेगा तभी तो वो आगे करेगा, जिसको हम कहते हैं ना करके सीखना, और ये हमारा एक तरह से पार्ट होता है क्रियात्मकता का, कि हमें जितना सीखना है बच्चा जब तक नहीं सीखेगा जब तक बच्चा स्वयं नहीं करेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट बच्चे में जागृत होती है वो इंटरेस्ट तभी जागृत होगी जब बच्चा स्वयं करेगा। और साथ में इसके लिए कहते हैं जब हम इस तरह का कार्य करेंगे तो इससे बच्चे नई खोज भी कर सकेंगे स्वयं, इस इनकी नई नई खोज के माध्यम से नया खोज करने के लिए, नए तथ्यों को सामने लाने के लिए, नए ज्ञान को हमारे सामने लाने के लिए, तो हमें इन विधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर आती है हमारे विषय विशेषज्ञ ली ने कहा है कि शैक्षिक समूह क्या है, ये हमारा सामूहिक परिचर्चा शैक्षिक समूह की क्रिया है। ये कहते ना कि इनको जो शैक्षणिक विधि माना गया था कब 1929 में, उसी के ऊपर ली ने कहा है कि ये हमारी एक शैक्षिक समूह की क्रिया होती है, क्योंकि हमें क्या क्या दिया जाता है, यहाँ पर हमें उसी विषय से संबंधित हमें ज्ञान दिया जाते हैं, कहते ना कि इसको शिक्षण विधि में हम प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी एक शैक्षिक समूह की क्रिया है कि किस तरीके से हम उसे शिक्षा में कार्य काम में ले सकते हैं। इस क्रिया से क्या होता है, सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि एक सामूहिक परिचर्चा में एक सामूहिक भावना जागृत हो जाती है कि किस तरीके से उस जो हमारी समस्या होती है वो समस्या केवल एक की ना होकर वो एक सामूहिक समस्या बन जाती है। इसलिए कहा था कि एक दूसरे की समस्या पर हम विचार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें टॉपिक हम ऐसा लेते हैं, कहते हैं ना कि इसमें आगे भी हम पढ़ाएंगे कि कौन कौन से किस तरीके के ग्रुप डिस्कशन होता है, कितने प्रकार का होता है, तो सुविधा कई
कई बार हम जनरली ऐसी समस्या लेते हैं जो हमारी अनौपचारिक श्रेणी में आती है, तो जब हम उस समस्या का निवारण करते हैं, चाहे वो हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे विद्यालय से, हमारे परिवार से जुड़े अनोखे समस्या हमारे सामने ऐसी आ जाती है कि वो समस्या सभी की समस्या हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, वो समस्या एक दूसरे की समस्या पर विचार करते हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि सामूहिक परिचर्चा एक दूसरे की समस्या पर विचार करने की विधि कहलाती है, ऐसा हमारे ली की मानना था। अब हम देखते हैं कि सामूहिक परिचर्चा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, वैसे अनेकों और भी उनकी जो परिभाषाएं हैं, जैसे हमने देखा हर्बर्ट गुली ने कहा है कि परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक रूप से अंतःक्रिया द्वारा अपनी सूचनाओं का क्या करते हैं, वो आदान प्रदान करते हैं। हर्बर्ट गुली ने कहा है, हम लिख सकते हैं इस परिभाषा को, हर्बर्ट गुली ने क्या कहा इन्होंने कि जब हमें किसी समस्या पर विचार करना होता है तो व्यक्तियों का समूह, परिचर्चा कब होती है, परिचर्चा व्यक्तियों का समूह एक दूसरे के सामने यानी कि आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक रूप से यानी कि बोलकर, जो हम कहते हैं ना कि ये हमारी कैसी होती है, मौखिक रूप से अंतःक्रिया सूचनाओं का होकर अंतःक्रिया सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये किसने कहा है, हर्बर्ट गुली जी ने कहा है कि यहाँ पर जब समूह बना दिए जाते हैं व्यक्तियों का परिचर्चा करने के लिए, तो एक दूसरे के आमने सामने हम बैठा देते हैं और मौखिक रूप से जो टॉपिक होता है, जो हमारी अंतःक्रिया होती है, उससे संबंधित हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है या किसी सामूहिक समस्या पर वहां पर चर्चा की जाती है। ये हर्बर्ट गुली जी ने कहा था। और एक परिभाषा है जिसका विचार है इसमें कि विचार विमर्श का जो अर्थ होता है वो अध्ययन, अधीन, प्रकरण अथवा किससे संबंधित होता है, समस्या में निहित होता है, यानी कि हमारा टॉपिक क्या बनता है, हमारी समस्या। हम परिचर्चा किस पर कर रहे हैं, हमारी समस्या पर, तो उसमें बताया गया कि हमारी समस्या में ही हमारी चर्चा निहित होती है, हम जो विचारों को पूर्णते हमारे विचार हम प्रकट करते हैं, साथ में हम उन संबंधों का विश्लेषण करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और हम निष्कर्ष निकालते हैं। ये रिस्की की परिभाषा थी कि हमारी जो समस्या होती है, हमारा प्रकरण होता है, वही हमारी पूर्णतः हमारे विचार अभिव्यक्ति करने का हमारा विषय होता है, जिसमें हम उसको विश्लेषित करके उसके बारे में हम विचार विमर्श प्रस्तुत करते हैं, उसकी तुलना करते हैं और लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं विशेषताएं कि कौन कौन सी इसमें विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम हम विशेषता देखेंगे कि ये छात्र में सही दृष्टिकोण का विकास करता है, क्या करते हैं, ये सही दृष्टिकोण का विकास करते हैं, या हम कह सकते हैं अभिवृत्ति का विकास करते हैं। ये हमारी इसकी पहली जो हमारी विशेषता है इसकी, कि सही दृष्टिकोण का विकास करती है। साथ में दूसरा देखें हम इसकी दूसरी जो विशेषता है कि विरोधी विचारों के प्रति सम्मान की भावना, विरोधी, क्योंकि इसमें क्या होता है, विरोध, इसमें ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप बनाया जाता है ना, तो वो ग्रुप एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो इसमें कहते हैं कि हम जो इसकी विशेषता होती है कि दूसरे जो हमारे विरोधी होते हैं, विरोधी विचारों के प्रति सम्मान, यानी कि उन्हें ये नहीं देखा जाता कि हमने कहा है और हमारी बात को काट कर उन्होंने दूसरा, उसे भी वो सम्मान या ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि सामने, क्योंकि ग्रुप जब भी बढ़ता है कि सामने वाले ने क्या कहा है, इसको वो देख
अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो दूसरों के विचार होते हैं, विरोधी जो ग्रुप बैठा रहता है उसके विचारों की भी हमें सम्मान करना सिखाता है ग्रुप डिस्कशन। फिर हम इसकी थर्ड देखेंगे कि परिचर्चा में जो भाग लेने का तरीका होता है वो विश्लेषण किसके आधार पर लेते हैं, भाग लेने का तरीका योग्यता तथा क्षमताओं पर आधारित होता है, ये हमारे ग्रुप डिस्कशन में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो चिंतन स्तर है, शिक्षण में चिंतन स्तर को बढ़ावा मिलता है, चिंतन स्तर को बढ़ावा शिक्षण में ये हमारी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारी इसकी कि इसमें समस्या समाधान की जो क्षमता है उसका भी विकास होता है, समस्या समाधान करने की क्षमताओं का विकास होता है। ये हमारी इनकी विशेषताएं थी। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो आज का हमारा ये टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको इसका अर्थ बताए हैं, परिभाषा बताई है, विशेषता बताई है, साथ में मैंने ये भी बताया था इसका प्रयोग हमने कब किया और किसने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये हमारे ग्रुप डिस्कशन की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।